पत्रकारिता की आड़ में अवैध धंधों को अंजाम देने वाले एक फर्जी पत्रकार का पर्दाफाश हुआ है। एक नामी चैनल के नाम पर फेसबुक पेज बनाकर खुद को पत्रकार बताने वाले शख्स पर सट्टेबाजी और जुआ खिलवाने के धंधे के आरोप लगे हैं। इस फर्जी पत्रकार पर पहले से ही IPC की धारा 420 व अन्य आपराधिक धाराओं के तहत 2 मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन इस बार इस पर आरोप सट्टेबाजी के लगे हैं, जिनकी ऑडियो क्लिप भी शिकायतकर्ता ने पुलिस के हवाले की है। इन ऑडियो क्लिप्स में खुद को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति सट्टा खिलाने वाले कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें अंबाला पुलिस डीकोड करके इसके काले कारनामों से पर्दा उठाएगी। नहीं तो अमन को गली और दिल्ली भेजियो, दिशावर मेरे पे ना भेजियो, मेरे पे मानी नहीं जाएगी। आज बादशाह में कुछ नहीं बता दे भाई, फिर बंद होने वाला है। उस्ताद जी हिसाब तो भेजो कल वाला, जरा मेरे तक पहुंचा नहीं अभी। भेज दे उस्ताद, वेट कर रहा हूँ तेरी। गेम की कॉपियां भी मार दे, जो अभी गेम लिखवाई है वो भी भेज मेरे पास जरा फटाफट। फरीदाबाद का 8:30 का पाव है, बस ये याद रखियो। अब कोई हिसाब वहां का चेड़ नहीं पानी। फरीदाबाद का 8:30 का पाव है, बस ये याद रखियो। अब कोई हिसाब वहां का चेड़ नहीं पानी। गली और दिल्ली, गली और दिशावर, अमन फिर फेंक दियो। अब उस तरह दोबारा ड्रामा ना करियो। बता दे भाई अब बंद कराऊं, अगले फोन कर रहे हैं मुन्नू। अंबाला में एक युवक ने अपने गैरकानूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पत्रकारिता जैसे पाक पेशे की आड़ ली, तो उसे वह सब महंगा पड़ गया। शहर में खुद को पत्रकार बताने वाला शख्स एक नामी चैनल के नाम पर फेसबुक पेज बनाकर लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंक रहा था। इसके इस कारनामे का एक मामला पहले ही अंबाला शहर के थाना बलदेव नगर में दर्ज है। अब इसके गोरख धंधों से और पर्दा उठने लगा है। दरअसल इस फर्जी पत्रकार के खिलाफ अंबाला के नग्गल पुलिस थाने में एक शिकायत पहुंची है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि खुद को पत्रकार बताकर ये पत्रकारिता की आड़ में किन काले कारनामों को अंजाम देता है। नग्गल पुलिस थाने पहुंचे शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत और कुछ ऑडियो क्लिप सौंपी हैं, जिनमें ये आरोप है कि खुद को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति सट्टेबाजी और जुआ खिलवाने जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने के लिए खुद को पत्रकार बताता है। जो मैंने यह दरखास्त दी है, यह एक फर्जी पत्रकार है जो कि स्वर्णजीत है, शहर में एक चैनल के माध्यम से जो कि उसके दुरुपयोग कर रहा है चैनल का, खबर अभी तक का, जो कि ये इसका अपना हमें पता लगा है, लोगों से पता लगा है कि ये जो फर्जी पत्रकार है ये एक जुए का भी धंधा चलाता है। जो इस हमारे पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसने कुछ अपने कोड वर्ड रखे हैं जो कि कहीं फरीदाबाद का लिया लिखा बोला है या कुछ भी किया है, उन सभी उससे लगता है कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि अगर पूरी जांच की जाएगी, मैंने ये अपना SHO साहब को थाना नग्गल में दरखास्त दी है, अगर पूरी जांच की जाए तो ये फर्जी पत्रकार के ऊपर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और 100% ये बात सच निकलेगी। सर मेरी पूरी मांग है प्रशासन से, SP साहब से, DSP साहब से, कि इसकी जो मेरी एप्लीकेशन है इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए, ताकि एक जो पत्रकारिता है इसके ऊपर कोई फर्जी पत्रकार आगे से ऐसा ना करे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत के साथ साथ ऑडियो क्लिप भी सौंपी है। उन ऑडियो क्लिप्स में लिए गए नामों को अगर गूगल में सर्च करें तो उसका कनेक्शन सीधे तौर पर सट्टे की विभिन्न साइटों की ओर खुलता है, जो पूरी तरह से अवैध है। इस सब के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जिन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल ऑडियो में किया जा रहा है उन्हें डीकोड करके मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और इस युवक के तार कहां कहां जुड़े हैं उसे भी खंगाला जाएगा। ये सर अभी हमारे पास एक रघुवीर है नजाड़ी का रहने वाला, उसने उच्च अधिकारियों को आज दरखास्त दिया, हमारे पास अभी प्राप्त हुई है। उसमें उसने ये आरोप लगाया कि शरणजीत नाम का कोई पत्रकार बन के और वो फेसबुक पे वो लगा रहा है, खबरें लगा रहा है जिसमें सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसको उसका ये एम है, और कुछ उसने लिखा है वो सट्टे वगैरह का भी का इसकी आड़ में कारोबार कर रहा है, और CD उसने एक पेन ड्राइव दी है उसमें भी वो कह रहा है अभी फरीदाबाद दिल्ली कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है वो, जिससे जांच की जाएगी उससे पता चल जाएगा भी इसका कौन सा चैनल है। और ये अभी तक
फेसबुक पे चला रहे हैं अभी तक के नाम से, और इसकी जांच गहनता से की जाएगी जी, ये क्या मामला है और ये पत्रकार कौन से उससे है, इसकी भी जांच की जाएगी। और इस दरख्वास्त में जो इन्होंने कोड शब्दों का यूज किया है उसके बारे में हम डीकोड करेंगे और इनकी कॉल डिटेल वगैरह लेकर इसकी जांच की जाएगी भाई इसका किस किस से लिंक है, और इसकी सारी गहनता से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि अपने अवैध कार्यों को अंजाम देने के लिए ये स्वर्णजीत नाम का फर्जी पत्रकार प्रशासन और लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए नामी चैनल के नाम का फेसबुक पेज भी बनाए हुए था, जिस पर ये खुद खबरों से संबंधित जानकारी भी देता था। ये फर्जी पत्रकार एक दिन अंबाला सिविल सर्जन के कार्यालय में पहुंचकर भी महिला ट्रेनी से उलझ गया था, जिसकी जानकारी खुद अंबाला के सिविल सर्जन ने दी। देखिए मेरे साथ आज एक महिला पत्रकार वन टू वन फाइट कर रही थी, आज के जो कोरोना की सिचुएशन आज जितने केस आए उसके बारे में, इतनी देर में एक और पत्रकार भी वो है विजुअल ले रहा था और रिकॉर्डिंग कर अभी लाइव कवरेज कर रहा था, तो मैंने सभी जितने भी पत्रकार थे उनसे रिक्वेस्ट की अभी कोई लाइव कवरेज ना करे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना, उसने कहा कि आ तो चल गया, तो इतनी देर में उसने महिला पत्रकार को भी कहा कि आप अपनी नीचे करो, तो उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जो चैनल के वो हैं मैन रिपोर्टर हैं उन्होंने उसको कहा भी वन टू वन बाइट हो रही है तभी आप कैसे रोक रहे हैं, उसके बाद झगड़ा बढ़ा। खुद को पत्रकार बताने वाले इस फर्जी पत्रकार की ये शिकायत थाने पहुंची तो खुलासा हुआ कि इसके खिलाफ पहले ही अंबाला शहर के बलदेव नगर थाने में किसी राष्ट्रीय चैनल के नाम के ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने का मामला दर्ज है। ऐसे में मामले की संगीनता को देखते हुए अंबाला पुलिस ने पत्रकारों के सरकारी विभाग DIPRO से पड़ताल की और इस व्यक्ति के पत्रकार होने या न होने संबंधी जानकारी मांगी, तो DIPRO ने स्पष्ट शब्दों में ये जानकारी दी कि स्वर्णजीत नाम के किसी व्यक्ति का बतौर पत्रकार उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद पुलिस ने दो दिन पूर्व ही इस पर IPC की धारा 420, 323, 506 और 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया। खबर अभी तक नाम से एक व्यक्ति स्वर्णजीत ये अपना चैनल जो है वो चलाने की बात करता है और पत्रकार बनकर घूम रहा था, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस विषय पर? हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट पर हमने 354, 506, 323 का मुकदमा दर्ज किया था और फिर पत्रकार के विषय में हमने फिर DPRO से इसके बारे में रिपोर्ट ली, जो DPRO ऑफिस में पाया गया कि इस नाम पर कोई पत्रकार का नाम दर्ज नहीं था, तो उस पर हमने 420 IPC लगाई है और इसमें अभी जांच जारी है, जैसा भी होगा इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो है जो 420 धारा लगाई है किस लिए लगाई गई है, क्या इसका? ये यही था, एक तो इसमें जो FIR के कंटेंट थे उसमें यही था कि ये पत्रकार नहीं है, और दूसरा हमने DPRO ऑफिस से जो रिपोर्ट ली थी उसके आधार पर अभी लगाई है। तो क्या नाम है जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल आगे क्या कर रहे हैं? इनका नाम स्वर्णजीत सिंह बाबा है और अभी इसमें तफ्तीश जारी है।